नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शराब देख रहे हैं मुस्लिम दोस्तों। आज जो प्रोडक्ट हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो काफी यूनिक है और काफी यूजफुल हो सकता है अगर प्रॉपरली काम करे तो। और वो है ये कॉफी मग वार्मर। अब दोस्तों इसका काम ये है कि जब भी आप कोई हॉट बेवरेज कंज्यूम करते हो, चाहे वो टी हो चाहे वो कॉफी हो, तो अगर आप काम कर रहे हो और टेबल पर रखा हुआ है या कहीं भी अगर हो और धीरे धीरे कंज्यूम कर रहे हो और टेबल पर रखा है, तो धीरे धीरे करके वो ठंडा हो जाता है। तो इसका काम यह है कि अगर आप इस कप में उसको डाल के और इस प्लेट के थ्रू अगर आप उसको वार्म करेंगे, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका हॉट बेवरेज जो है वो बना रहेगा, और वो है 55 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों काफी लोगों को लगता है कि ये जो चीज है ये आपके पानी को या किसी भी बेवरेज को प्रॉपरली हीट कर देगी, तो उसके पर्पस के लिए ये नहीं है। उसके पर्पस के लिए जो आता है वो होता है हीटर, जो आपका पानी या कुछ भी है वो ये प्रॉपरली आपको हीट कर देगा 2 मिनट में या 3 मिनट में, जो भी हो काफी काफी हीट कर देता है। बट इसका काम अलग है, और ये जो है इसका काम बिल्कुल अलग है। ये वार्मर है, आपके किसी भी बेवरेज को ये प्रॉपरली एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे गर्म रख सकता है, वो भी 55 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन दोस्तों हम दोनों चीजें इसमें चेक करके देखेंगे। इसमें हम गर्म पानी डाल के देखेंगे कि कितनी देर तक वो गर्म रहता है, और इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे और देखते हैं कि कितनी देर में ये हीट होता है। तो ये वार्मर ही, लेकिन फिर भी दोनों चीजें चेक करेंगे। और इसमें एक दूसरा कप रख के भी चेक करके देखेंगे कि क्या वो कप हीट हो रहा है या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं इसके अनबॉक्सिंग पे और फिर देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं। दोस्तों ये है बॉक्स हमारे कॉफी मग वार्मर का, और यहाँ सामने की तरफ देखें तो यहाँ पे कॉफी कप एंड सॉसर लिखा हुआ है, और साइड में देखें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। पीछे की तरफ फिगर देखें तो यहाँ पे भी सेम कॉफी कप एंड सॉसर यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर साइड में कुछ भी नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है। ऊपर ये आपको कैरी करने के लिए इस तरीके से दिया हुआ है ये हैंडल टाइप का, और इसको अब ओपन करते हैं। तो उसमें इसके बॉक्स में 5 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला है यूज़र मैनुअल जो कि चाइनीज़ में है तो किसी काम का नहीं है, और दूसरा है ये स्पून जो कि गोल्डन कलर में है और बहुत बढ़िया लग रहा है। कुछ भी बेवरेज मिलाने के लिए आपको ये स्पून भी इसमें दे रखा है। और तीसरा है दोस्तों ये लिड, ये बेसिकली आपके कॉफ़ी मग का जो है वो ढक्कन है, ताकि अगर आप कोई भी बेवरेज रख के और आप उसको देर तक यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ उसमें अंदर जाए ना, इसलिए आपको ये ढक्कन भी उसमें दे रखा है। और दोस्तों चौथा है ये कॉफ़ी मग। और उसमें बता दूं मैंने ये पूरा सेट जो है वो ग्रीन कलर मंगाया हुआ है, इसमें और भी कलर्स आते हैं आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। और ये कॉफ़ी मग दोस्तों बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी इसमें अच्छी कैपेसिटी है, 300 ml की इसमें कैपेसिटी है, तो जिनको ज़्यादा बेवरेज पीने की आदत है उनके लिए बढ़िया मग है। और देखें तो इसमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं की गई है, एकदम प्लेन है चारों तरफ से, और नीचे इस तरीके की डिज़ाइन बनी हुई है, मे बी कुछ हीट करने के पर्पज से इसको बनाया होगा, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सेरेमिक में है, ये दोनों चीज़ें सेरेमिक में है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और पांचवी और लास्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है ये हीटिंग प्लेट, इसको इंडक्शन भी बोल सकते हैं, और इसकी भी मेक जो है बहुत बढ़िया दी हुई है, शेप जो है इसका बहुत बढ़िया है। ये इतना हिस्सा जो है ये हीटिंग के लिए, इसके ऊपर ये मग रखेंगे और ये इतना हिस्सा हीट होगा, यहाँ पे ये लाइट जलेगी, और ये यहाँ पे तार दे रखी है। और दोस्तों पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम है, और यहाँ पे ये ग्रिप बनाने के लिए 4 ये आपको दिए गए हैं, ताकि आप टेबल पर रखें तो ये हिले ना। और ये दोस्तों ग्रेविटी स्विच है, और ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका लगा। इसका काम दोस्तों ये है कि जब भी आप इसको हीटिंग के लिए ये वायर लगाएंगे तो ये अपने आप चालू नहीं होगा, ये तभी चालू होगा जब आप ये मग इस पे रखेंगे, और ये मग में जब वेट होगा, जब इसमें कोई भी बेवरेज होगा और ये वेटेड मग होगा, इसको आप इस पे रखेंगे तभी यहाँ पे ये लाइट ऑन होगी, वो स्विच नीचे से ऑन हो जाएगा। ये ऑटो कट इंडक्शन है, बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे इसमें लगी है, क्योंकि अगर ये बहुत देर तक चलता है और आप इसको बंद करना भूल जाते हो तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये काम का इसलिए है क्योंकि ऑटो कट हो जाएगा, अगर इसमें से बेवरेज भी कम हो गया और इसमें ज़्यादा वेट नहीं रहा तब भी ये ऑटो कट हो जाएगा, जिसका फ़ायदा ये है कि दोस्तों इसमें कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम या कोई ऐसा खतरनाक चीज़ नहीं हो सकती है जिससे कि आपको डर हो, चाहे बच्चे आए या हाथ लगाएं या अपने आप ये ज़्यादा देर चल के ख़राब हो जाए या बहुत बड़ा कोई इसमें प्रॉब्लम हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑटो कट है। ये फंक्शन इसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और दोस्तों आप देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इसमें पानी भर के और इसको रखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे ग्रेविटी स्विच अपने आप काम करेगा और यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी, ये वार्म होने लगेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें पहले पानी डाल देते हैं जो मैंने एकदम गर्म किया है अभी, तो ये मैं इसमें पानी डालता हूँ।
तो उसमें आप देख सकते हैं काफी गर्म पानी है, इसमें से धुआं निकलता है आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैंने इसको भरा देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट ऑन हो गई, ये ऑन हो गया और ये अच्छा खासा गर्म है। और अभी 3:24 हो रहा है और 10 या 15 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉपरली गर्म है कि नहीं है, या कुछ कम ठंडा हुआ, या प्रॉपर इसने मेंटेन रखा अपना टेम्परेचर। दोस्तों 3:24 पे हमने इसको रखा था और अब 3:51 हो रहा है, 25 मिनट से ज़्यादा हो गया है। और दोस्तों मैंने किया इसमें ये था कि मैंने जो पानी इसमें डाला था वही पानी मैंने इसमें भी डाला था, कंपेयर करने के लिए कि कितना ज़्यादा या कम गर्म रहता है पानी। तो अब अगर मैं चेक करूँ तो इसमें अगर मैं चेक करूँ तो दोस्तों ये पानी बिल्कुल गुनगुना हो गया है, और इसको अगर मैं चेक करूँ दोस्तों ये पानी काफ़ी गर्म है, अच्छा खासा गर्म है। और दोस्तों मैं ये बता दूं आपको कि उतना गर्म नहीं है जितना मैंने इसमें डाला था, उसमें धुआं हुआ निकल रहा था, लेकिन ये अच्छा खासा गर्म है दोस्तों। मतलब ये प्रॉपरली काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अच्छा खासा ये गर्म है। और बात करें अगर इसके नीचे, दोस्तों इसके नीचे का बेस भी काफ़ी गर्म है, और ये जो पैड है, ये पैड दोस्तों काफ़ी गर्म हो गया है, अच्छा खासा गर्म है, पूरा ही गर्म है। लेकिन ये जो बीच सेंटर का जो हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें ये जो ऊपर की तरफ ग्लास इसमें लगा हुआ है, ये वाटरप्रूफ टेम्पर्ड ग्लास है, तो इसमें कुछ पानी नहीं गिर जाए तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पैड है ये इतना गर्म हो गया है कि ये हाथ में लग सकता है, तो अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तो उनसे ये थोड़ा दूर रखना पड़ेगा अगर आपने इसको यूज़ किया है तो, क्योंकि अगर इसके बीच में उन्होंने हाथ रख दिया तो अच्छा खासा ये गर्म है, लग सकता है। और अब मैं दोस्तों इसमें नॉर्मल पानी डालूंगा और देखता हूँ कि कितनी देर बाद वो पानी गर्म होता है, या कुनकुना होता है, या प्रॉपरली गर्म होता है कि नहीं, वो देख के मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें नॉर्मल पानी डालते हैं, दोस्तों मैं इसमें नॉर्मल पानी डाल दिया है और अभी 3:59 हो रहा है। अब 10 मिनट बाद देखते हैं कि कितना ये गर्म होता है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है और अब 10 मिनट बाद देखते हैं कि कितना ये गर्म हो रहा है। दोस्तों 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है हमें इसे ऑन किया, अब इसको चेक करते हैं। दोस्तों इसने जो पानी नॉर्मल था उस पानी को एकदम कुनकुना कर दिया है 10 मिनट में, बहुत ज़्यादा हीट नहीं किया है बट पानी कुनकुना हो गया है। तो अगर आपको सर्दियों में दोस्तों अगर पानी को हल्का कुनकुना करके पीना है तो भी ये काम आ सकता है आपके, लेकिन ये टाइम बहुत ले रहा है। 10 मिनट में इसने पानी को सिर्फ कुनकुना किया है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये प्रॉपरली पानी को हीट करने के लिए गैजेट नहीं है, ये सिर्फ कंटिन्यूस वार्म रखने के लिए, आपके बेवरेजेस के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाह लोगे इसमें पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और बहुत ज़्यादा गर्म भी मेरे हिसाब से नहीं होगा। बट अगर आप गर्म पानी इसमें डालते हैं और कंटिन्यूस उसको गर्म ही रखना चाहते हैं तो वो काम ये प्रॉपरली कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको 25 से 30 मिनट तक टेस्ट किया है, प्रॉपर गर्म पानी उसमें था। और अब दोस्तों मैं इसमें ये जो नॉर्मल सेरेमिक कप है इसको इसमें रख के देखता हूँ कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों मैंने ये नॉर्मल कप रखा है, इसमें देखते हैं कि ये पानी गर्म कर रहा है, ये कंटिन्यूस गर्म रह रहा है कि नहीं। इसमें दोस्तों मैंने इसमें नॉर्मल सेरेमिक कप रखा था जो मेरे घर पे था, तो उसमें मैं बता दूं आपको कि कांस्टेंट जो टेम्परेचर है वो उसका मेंटेन है। तो अगर इसके साथ आया हुआ कप अगर टूट जाता है तो आप अपने घर का कोई सेरेमिक नॉर्मल कप भी इस पे रख के और इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा ये काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको अपने बेवरेजेस कंटिन्यूस हॉट रखने के लिए, वार्म रखने के लिए ये गैजेट अगर परचेज करना है तो इसका मैं लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज के वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर ये गैजेट आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।